तो हर्ष सिंह भी जो कि इस वक्त इस पूरे इलाके के स्टार दिखाई दे रहे हैं, उनसे बात की हमारे संवाददाता ब्रजेश राजपूत ने। सूरत शहर में बीजेपी ने फिर एक बार जबरदस्त प्रदर्शन किया। शहर की 12 की 12 सीटें में बीजेपी के प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं और मजूरा सीट के तो जो हर्ष सिंघवी है वो तकरीबन जीत ही गए हैं। हर्ष भाई बहुत बहुत बधाई। और जो सूरत को लेके बड़ा शक शुबा था बाहर के बैठे लोगों को, यहाँ पाटीदार वगैरह वगैरह सारा असंतोष कहाँ गया वो सब? सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं, सत्य की विजय हुई है, गुजरात की विजय हुई है। आप देख सकते हो कि सूरत में जिस प्रकार से कांग्रेस ने यहाँ पे एक जुठाई और नफरत का राजनीति जो फैलाने की कोशिश की थी, उसके सामने भारतीय जनता पार्टी के प्यार की विजय हुई है, सूरत के लोगों की विजय हुई है। जिस प्रकार से सूरत को बदनाम करने में कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, सूरत के लोगों ने भर के बदला लिया। चाहे वो व्यापारी हो चाहे वो पाटीदार समाज हो, दोनों ही मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बड़ी संख्या में मौजूद है। लास्ट टाइम 71,000 की लीड से जीता था, ये वक्त 82,000 की लीड क्लियर की है, एक और राउंड बाकी है। मेरे क्षेत्र के लोगों ने फिर एक बार अपना इतिहास तोड़ा और एक नया इतिहास रचा। पूरे गुजरात में बीजेपी जिस तरीके से फिर सरकार बनाने जा रही है, ये क्या वजह रही? भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार एक मजबूत सरकार बनाने जा रही है। फिर से एक बार गुजरात ये देश में नंबर वन रहेगा। गुजरात के लोगों की विजयी हुई है, गुजरात के लोगों की मान और अस्मिता की लड़ाई गुजरात के लोगों ने जीती है। जिस प्रकार से कांग्रेस ने गुजरात को बदनाम करने में एक भी कसर नहीं छोड़ी थी, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को विजयी दिलाने में गुजरात की जनता ने कोई कसर नहीं छोड़ी। बहुत शुभकामनाएं आपको। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।